मोहित जी ने गाया, तोची जी ने गाया, श्री राम अय्यर जी ने गाया, गुरप्रीत सैम भी इन्होंने लिखा है गाना, लिरिकली इनके लिरिक्स हैं बहुत अच्छा लिखा है, लिखा है जो मैं गाया हूँ आजा आजा नहीं आजा नहीं, गुरप्रीत ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नाइस। मैंने लिख के राजा रानी को दिया था तो इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया जो तोची जी ने गाया, और बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत ज़्यादा प्यार देंगे इसे। मेरा गाना एक डुएट है मलक मुचल के साथ, और इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, सिंपल बट वेरी कैची, एंड एक बार सुन के आप डेफिनेटली गुनगुना पाओगे, ऐसा गाना है, सुरूर करके गाना है। और वर्किंग विद हिम हैज बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, स्पेशली बिकॉज वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, वेरी सिंपल पीपल, एंड बहुत ईजिली हुआ ये रिकॉर्डिंग। और मुझे मिलवाया गया टोची जी ने अगेन, हम लोग पहले नोवन के जैसे का मैं भी साथ में गा चुके हैं दिल्ली दिल्ली गाना है टोची जी और मैंने, सो अगेन इसमें भी वो ही रहे, क्या बोलते हैं, सूत्रधार। नहीं जुगल बंदे नहीं, बस चलिए उसी गाने को दोहरा रहे हैं या कुछ और, ठीक है। मेरा काट कले जा दिल्ली, ले गई काट कले जा दिल्ली, मुझे दिल्ली ले गई, फिर जान भी ले जा दिल्ली, फिर जान भी ले जा दिल्ली, सुसरी काट कले जा दिल्ली, मुझे दिल्ली ले गई, सुसरी दिल्ली 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 दिल्ली, मुझे दिल्ली 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 दिल्ली, री जुलमी सी ना जोर दिलाई ऐसा जोर, आ ले गई ले गई ले गई ले गई दिल्ली। छाया है सुरू, छाया है सुरू, माय सॉन्ग इन द फिल्म, गो एंड वॉच इट, यू विल एंजॉय। ओके ओके, एक्चुअली माय फ्रेंड इज इन अ फिल्म, इन दिस फिल्म ट्रिप टू भानगढ़, रोहित चौधरी, सो आई हैव कम टू विश हिम, और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी को जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, बिकॉज काफी सारे मेरे दोस्त इस पिक्चर में हैं, सो विश देम ऑल द लक, और पिक्चर ब्राइट लग रही है मुझे, प्रोमो से अच्छा लग रहा है। आई थिंक इज ब्रिलियंट, बिकॉज इतने ज़्यादा वेराइटी होगी, बिकॉज और मुझे तो फ्रेश एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनका एक सेट फॉर्मेट नहीं होता एक्टिंग करने का, दे ब्रिंग फ्रेशनेस टू इट, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग टू सी न्यू पीपल कमिंग इन द इंडस्ट्री, आई लव इट। See, I have been busy with a show in Delhi, तो मैं हर हफ्ते गुड़गांव जाता हूँ, इट्स अ प्लेस कॉल्ड किंगडम ऑफ ड्रीम्स, और शो का नाम है झुमरू, और झुमरू के लिए मुझे हर हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता है, तो मैं बॉम्बे में इवेंट्स में भी नहीं जा पाता हूँ, जैसे मैं आज ही सुबह आया हूँ, और जो रोहित हैं इसमें हमारे साथ वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी, तो इसलिए मेरे दोस्त हैं जो कि ट्रिप टू भानगढ़ में भी है, तो जस्ट अ कनेक्शन, दैट्स व्हाई मैं दिखता कम हूँ। या आई हैव शॉट अ फिल्म ऑलरेडी, एक पिक्चर शूट कर चुका हूँ और वो नवंबर में रिलीज है, उसके अलावा मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। ऑलराइट, थैंक यू। चैलेंजिंग इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बानगर में जो फोर्ट था उसमें एंटर करने का अलाउड नहीं था हमको, और वहाँ पर 5 o'clock के बाद अलाउड नहीं था हमको शूट करने का, मतलब एक ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो डीओपी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम लोग शूट कर रहे थे 5 o'clock के बाद जब सन ड्रॉप होता है तो ऑफकोर्स हमको एक्सपोजर खुलना पड़ता है, फ्रॉम 4 इट गोज टू 2, 1, 2, लेकिन मेरे साथ सब उल्टा हो गया वहाँ पर, जैसे जैसा डे जा रहा था दिन ढल रहा था मैं एक्सपोजर क्लोज करते जा रहा था, आई वॉज शूटिंग ऑन 2, 8, 5:30, 6 o'clock आई वॉज शूटिंग एट 8, एंड आई टोल्ड माई असिस्टेंट केम टू मी, और वो असिस्टेंट बोलते सर ये क्या हो रहा है, बोलते गपचुप मेरा चुप जाए से, मतलब फ्रॉम 2, 8 आई केम टू 8 एक्सपोजर, वो एक एक्सपीरियंस था। और सबसे बेकार एक्सपीरियंस ये था कि हम पहले दिन ही हम सब लोग आर्टिस्ट और हम लोग ख़त्म हो जाते थे, हमारा गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और मैं बोनेट पे बैठा था कैमरा के साथ,
और गाड़ी चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर से, अचानक अपना मनीष बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया। हम लोग सब सोचे कि ये मजाक कर रहे हैं, और गाड़ी मतलब ऐसी थी कि आगे खाई थी और ज्यादा जंगल। हम लोग ने सोच लिया कि खत्म, हमारा करियर खत्म हो गया अभी। और मनीष ने समझदारी से गाड़ी को लेफ्ट जंगल में लेके गया, और गाड़ी ऑलमोस्ट पलटी हो ऐसा डन होके वापस स्ट्रेट हो गई थी। तो बहुत एक्सपीरियंस हमारा बुरा था वहाँ पर, लेकिन ठीक है, फिल्म कंप्लीट हो गई, दैट वाज गुड। वो तो आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि हम लोग 7 बजे 7:30 बजे तक वहाँ पर बोलते 5 बजे का अलाउड नहीं था, लेकिन हम तो 7:30 बजे तक शूट किया वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ इट वॉज वेरी डिफरेंट। ओवरकास्ट था, पूरा ओवरकास्ट था, बहुत बारिश गिर रही थी, और डायरेक्टर जीतू मेरे पास आया, बोला कि जय शूट करना है। मैंने बोला मैं शूट नहीं कर सकता, जब तक सनलाइट आएगी मैं शूट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सनलाइट चाहिए। तो जीतू बोला नहीं, कुछ तो बोला नहीं करने, मैं नहीं करूँगा। पता नहीं, मैं ऐसा बाजू में जीतू मेरे साथ खड़ा था, और जीतू ने खड़ा रह के वहाँ पर बोला कि प्लीज़ रत्नावती यार कुछ तो कर लो यार, मतलब यू डोंट बिलीव विद इन 15 मिनट्स द क्लाउड्स पूरा क्लियर हो गया और दर वाज सनलाइट, और हम लोग ने पूरा शूट किया शाम को 7 बजे तक। ये थैंक यू। आजकल एक डिफरेंट टॉपिक को जैसे हम लेके चलना चाह रहे थे, तो भानगढ़ में चांसेस लगे हम लोग को कि हॉरर थोड़ा बनाएंगे, जिसे आप बोलते सब जानते हैं, बट पहले मैं भी नहीं जानती थी, मैंने भी स्टडी किया गूगल में तो पता चला, तो मुझे लगा अगर ऐसा कुछ है तो सबके सामने लाना चाहिए, तो हमने मूवी के लिए सोचा। जब बनाएंगे तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो लेट से देखते हैं कैसा रहेगा। मैं इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, एंड आई थिंक अच्छा ही होगा। कमर्शियल पार्ट की अगर आप बात करें, आप कोई भी मूवी बनाते हैं तो आपको पता है सब में कमर्शियल पार्ट में सब जगह है एक्सपेंसेस, तो जैसे उसमें वैसे इसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रिस्क है कि मुझे सोचना चाहिए था। अच्छा कॉन्सेप्ट था, हम लोग उसको लेके चले हैं, तो अच्छा बने हैं। हम लोग इसमें भानगढ़ के बारे में ही बताएंगे, जैसे कि आपको ही पता होगा कि एक बार आमिर खान के बारे में भी आया था भानगढ़ के बारे में, तो भानगढ़ सब लोग जानते हैं, तो हम लोग यही जानते हैं कि भानगढ़ के बारे में लोग जाने जो हो रहा है वो सच है कि नहीं है, कैसा है, तो उसको लेकर हम आए हैं उसको सामने। तो मूवी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि भानगढ़ का क्या था, लेकिन मेन यूज उसका भानगढ़ है, इट्स अ हॉन्टेड प्लेस, तो उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। मंगल गीत इन्होंने गाया है, प्रमोशनल सॉन्ग मैंने गाया है, एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, थैंक्स टू नीता मैम ने जो मेरे पे भरोसा किया है, एंड आई होप यू वेल, आई होप यू लाइक इट। बोथ इट वॉज क्वाइट न्यू the acting part, but the singing part wo kafi confident, acha enjoy kiya, wo enjoy kiya. Aapse ye puchna chahunga ki kis tarah se aap dekhte hain isko, as a horror film aur film aa raha hai, achhi jayegi, kis tarah se drama hai aapko, maine bhi dekhi nahi hai, so I can't say much about it, then you know sex is very, but I believe in Anita. Sex is a very important part when you making a horror film, you know,
portion or part of it, promo of the film. And do you think it is necessary when you're making a horror film? I say no comment, please. What do you think about the whole video shoot? Tell us about your experience. द ब्रीफ यही मिला था कि तोसी जी के साथ वीडियो शूट करना है, इट्स अ प्रमोशनल सॉन्ग और साथ में एक विजुअल ट्रीटमेंट देना था सॉन्ग को. आई थिंक ये गाना एक ही रात में हमने पूरा शूट किया था, क्योंकि हमने एक ही रात में गाना शूट किया और म्यूजिक कंपनी की भी डिमांड थी कि अच्छा सा उनको गाना चाहिए जो जिसने एक सिंगर को भी इनकॉर्पोरेट करे, तो तोसी जी के साथ हमने किया. जब आप प्रमोटिंग सॉन्ग बना रहे हैं, दैट टू बी एट नेक्स्ट लेवल है. एग्जैक्टली. व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल वर्किंग? सी, आई थिंक कोई भी गाना शूट करना तो सबसे पहले लिरिक्स पे ध्यान दिया जाता है, मूवी कंसेप्ट पे. मेरा मानना है कि कोई भी गाना होता है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, मूवी में डाला जाता है और मूवी सबसे ऊपर है, उसके बाद गाना आता है. तो आई थिंक मूवी से मिलता जुलता होना चाहिए गाना और जो सिचुएशन है उसको बेस होना चाहिए गाना. अनिता जी, द पीपल गेटिंग रिलीज ऑन 2022, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट? आर यू नर्वस, एक्साइटेड? यू नो, यू आर कमिंग विद अ न्यू बंच ऑफ एक्टर्स. आई एम नॉट नर्वस, बस ये कहना चाहूंगी, ट्रिप टू भानगढ़ ये मूवी है हमारी, ट्रिप टू भानगढ़, तो इस ट्रिप में हमारे साथ आप भी चलिए, आप लोग का साथ चाहिए. थैंक्स, विल टेल यू लेटर. Many more projects coming up after this.